हुनर तो हर किसी में होता है, किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। तो साथियों, ऐसा कुछ करो कि आपका छिपे नहीं बल्कि छप जाए दुनिया और समाज की नज़रों में। आपका स्वागत है आपकी अपनी एक मनपसंद फ्री वाली सीरीज में, एक वीडियो एक टॉपिक वाली सीरीज। आज का वीडियो नंबर है आपका 47 यानी 47 नंबर, और टॉपिक है त्रिकोणमिति। इसके पहले त्रिकोणमिति के 2 से 3 वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, देखा ना आपने। तो आज क्या पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन का टाइप है, सामने दिख रहा है आपको। यदि साइन ए इक्वल 3/5 तो कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। पिछली क्लास में जस्ट मैंने आपको ये पढ़ाया था, सेम ऐसे दिखा होगा आपको। अगर नहीं देखा आपने तो फिर वो पिछली क्लास नहीं थी। इसमें मैंने आपको आधारभूत चीज़ें बताया था कि कैसे साइन कॉस टेन इन चीज़ों को समझेंगे, और इनको समझने के बाद आप फिर इस लायक बन जाएंगे, काबिल बन जाएंगे कि आप जो सवाल मैं दिखाऊंगा उसको कर पाएंगे। ठीक है, ये एक छोटा सा नमूना भी करवाया था पिछली क्लास में, दिख रहा है ना। इसका आधा एक्टिविटी पिछले पेज पे था, आधा पिछले पे था। संगम बैच 27 तारीख से आ रहा है, स्टार्टिंग में 90% तक का छूट मिलेगा। जो बिल्कुल बहुत ही सीरियस हैं, कम समय में सीखना चाहते हैं, 1 महीने में, उसको ज्वाइन कर लेंगे, नंबर दिया है। सवाल आ गया आपका जो आज पढ़ना है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। है तो बेसिक मैथ ही, स्पेशली ये कक्षा 9 लेवल का मैथ है। ठीक है, आसान होता है, कैसे करना है। सबसे पहले आपको ऐसे एक त्रिभुज बनाना है, प्यार से देखना। ठीक है, कह रहा कि साइन ए का मान दिया है, ए ये कोण की जगह पे यूज हुआ हर जगह। ठीक है, तो इनके जो मैं नामकरण करूंगा भैया, उनका नामकरण मैं ए बी सी के रूप में नहीं करूंगा, फिर इनके नामकरण मैं लिखूंगा पी क्यू आर, क्योंकि कोण का नाम ए दिया है वहां। हाँ, तो यहां पर मैंने लिख लिया ए, ये क्या है, यहाँ बन रहा है एंगल, आप समझना है यहाँ पे। हल करो भैया, आओ समझना है यहाँ से। देखो क्या दिया है, साइन दिया है, साइन ए दिया है, बराबर क्या दिया है, 3/4। साइन का फार्मूला जानते हो, लंब बटे कर्ण होता है। अभी पिछली क्लास में बहुत डिस्कशन किया था लंबा चौड़ा ना, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कैसे होता है, क्यों होता है, तुम जानते हो, नहीं जानते हो तो पिछला वीडियो देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ये लास्ट में अभी इंडी स्क्रीन पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, लंब बटे कर्ण होता है क्या, साइन थीटा। अब इसमें ए के अकॉर्डिंग लंब खोजो, कौन सी भुजा है। मैंने बताया था कि जिस भुजा पर कोण बनता है उसके जस्ट सम्मुख भुजा क्या होती है, लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है, समकोण में ये चीज अपवाद हो जाती है। ठीक है, तो इसमें अगर देखें तो लंब कौन सा भुजा है, इसके सामने की भुजा यानी पी क्यू क्या है, लंब है। ठीक है, इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, और ये नीचे वाला पी आर क्या है, बेस है, ये क्या है, हाइपोटेनस है। ठीक है, चलो तो लंब ये है, यानी लंब मतलब यहाँ पे क्या है, 3, और कर्ण क्या है, 4, यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इनको समझ के चलना, अब क्या निकालना है, हमें निकालना है आधार। आधार हमें नहीं पता है, हमें जरूरत क्यों है बताता हूँ तुम्हें। देखो हमें जो मुख्य चाहिए सर्वे सर्वा, वो चाहिए कॉस ए। देखो कॉस का सूत्र होता है लाल बटा कक्का के अकॉर्डिंग, अगर आप देखो तो आधार बटे कर्ण होता है। तो भैया इसका मान मैं तब बता सकता हूं जब इसमें आधार पता हो, आधार पता ही नहीं है तो इसका मान क्या हो जाएगा, क्यू आर बटे 4। अब क्यू आर अगर आपको पता है तो फिर आप उत्तर बता दो, फाइनल नहीं पता है तो नहीं बता सकते हो। तो क्यू आर हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट पेज पे, अगले पेज पे। ठीक है, अगला पेज खाली नहीं है, खाली कर लेता हूँ। लोग देखिए पाइथागोरस परमीय होती है, ये सभी लोग जानते हो, बता चुका हूँ कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल क्या होता है, आधार का स्क्वायर और धन लंब का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हमें क्या क्या दिया है अगले पेज पे देखिए, कर्ण दिया है और लंब दिया है, कर्ण 4 है, लंब 3 है, तो 4 का स्क्वायर और लंब दिया है 3 का स्क्वायर, ये हो गया 16, ये हो गया आपका आधार, और ये हो गया 9। अगर हम इसको जोड़ते तब तो 5 आ जाता बड़े आराम से, लेकिन जोड़ना है नहीं संयोग से, तो ये आधार का स्क्वायर क्या आ जाएगा भैया, एम से घटा लो तो 5 आएगा, 7 आएगा ना, 7 आएगा। फाइनल में हम शॉर्टकट में थोड़ा सा एक लाइन शॉर्ट करें तो आधार बराबर आ गया √7, कितना आ गया √7।
यानी ये जो वैल्यू आ गई आपकी कितना आ गई बच्चा, अंडर रूट 7। तो फाइनल में आपका आंसर हो गया रूट 7/4। ये आपका अभी सिर्फ एक आया है, इसमें टेन ए का मान भी पूछा था, तो टेन ए का मान अब निकालो, चाहे जितना मान निकाल दो, अब क्षेत्र त्रिकोणमिति अनुपात सब निकाल दो, क्योंकि जब तीनों भुजा पता हो गई तो निकाल सकते हो। लाल बट्टा कक्का, जानते हो ना एल ए एल, टेन के लिए एल आता है, नीचे ए आता है, यानी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। भाई साहब लंब कितना है इसमें, तीन है, आधार कितना है, रूट 7 है। हो गया आंसर फाइनल। देखिए ये चीजें सिर्फ समझने वाली है, अगर आप अच्छे से समझते हो तभी आप कर पाओगे। है तो बिल्कुल जीरो लेवल वाली मैथ्स, बेसिक वाली, लेकिन ये कक्षा 9 लेवल का है। अगला सवाल बताइए, टेन का मान दिया है, पूछा है आपसे कुछ, बताइए कैसे करोगे भाई साहब। चलो आओ, कह रहा है कि यदि टेन बी इक्वल 1/3 तो साइन बी कॉस बी और सेक बी का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे समझना, टेन बी का मान दिया है, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे, ऐसे बना लिया। अब इसमें देखो टेन बी का मान दिया है, तो यहां से आपको एक चीज समझना है कि टेन बी इक्वल जो 1/3 दिया है, इसका सूत्र क्या होता है लाल बटा कक्का वाले में, लाल बटा कक्का लंब बटा आधार, ये फार्मूला होता है। यानी ये जो त्रिभुज बना है इसमें से हमें लंब और आधार दिया है, तो इनके हम मान जो नाम लिखेंगे वो पी क्यू आर के रूप में लिखेंगे, हाँ पी क्यू आर के रूप में लिखेंगे, क्योंकि जो कोण है वो बी दिया है, समझना है यहाँ पे। तो मान लो कि मैं कोण यहाँ पर बन रहा है बी, मैंने मान लिया, ठीक है समझते चलना। अब इसमें क्या दिया है आपको, लंब और आधार दिया है, सामने की भुजा जस्ट लंब हो जाएगी, यानी लंब क्या है 1, आधार क्या है 3। अब भैया हमें कर्ण फाइंड करना है, जोड़ के निकलता है ये, 3 3 9 हो जाएगा, 1 1 कम 1 10, अंडर रूट 10 आएगा वो कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर लोगे ना, अभी अभी बताया था ना, कर लोगे कि नहीं बताओ, नहीं कर पाना तो मुझे बता देना। तो भैया हो ये हो जाएगा 3 3 9, ये हो जाएगा 1 1 कम 1, और 9 और 1 हो जाएगा 10, और इसका स्क्वायर हो जाएगा तो √10, ये अपने आप मिल गया, मैंने निकाल लिया। अब क्या निकालना है, साइन बी, लाल बटा कक्का लगा दो भाई साहब, लाल बटा कक्का इतना डिस्कस कर रहा हूँ, पिछली क्लास नहीं देखे हो समझ में नहीं आएगा। लंब बटे कर्ण, लंब क्या है उसमें देखो पकड़ो 1, और कर्ण क्या है √10, है ना समझ में आया, कितना मजेदार है ना। इसी तरीके से आप कॉस भी निकाल सकते हो, सेक भी निकाल सकते हो, और सारे मान इस तरीके से फाइंड कर सकते हो, है ना कितना आसान। कोई डाउट है किसी को तो बता दो मुझे, जब मैंने सारी मेहनत कर ही दिया है तो फिर क्या बचा है, थोड़ा सा और निकाल देता हूँ, जो एकाठी बचा है वो निकाल लो। लो कॉस बी, देखो कॉस का क्या होता है, लाल बटा कक्का में आधार बटे कर्ण, आधार इसमें क्या है 3 है, कर्ण कितना है √10 है। हो गया सेक, सेक कहाँ से पैदा होता भैया, साइन का उल्टा कॉसेक, टेन का कॉट, कॉस का ही उल्टा सेक होता है, तो सेक वाला जो बी है वो जस्ट इसका उल्टा होगा कॉस वाले का, तो √10/3 होगा। देखो सारे मान आगे दौड़ते हुए, है ना कितना आसान। तो मैथ बहुत आसान है, बस इससे थोड़ा मोहब्बत करना सीख लो, इसको थोड़ा वक्त देना शुरू कर दो। कहते हैं ना, जिसने खुद को खुद पे खर्च किया है दुनिया ने उसको गूगल पे सर्च किया है, तो खुद को खुद पे खर्च करिए, किसी और के पीछे नहीं। और एक चीज़ और याद दिला दूँ चलते चलते, कि ऐसे कैंडिडेट जो 1 महीना में गणित सीखना चाहते हैं, आने वाले 27 अक्टूबर से आपका संगम बैच शुरू हो रहा है पीवीआर स्टडी ऐप में। जो सीरियसली सीखने वाले हैं इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करें, और स्टार्टिंग में ज्वाइन करने वाले बच्चों को 80 से 90% तक डिस्काउंट मिलेगा, मतलब नाम मात्र की फीस में 30 से 40 रुपये प्रति महीना की फीस में आप पूरा बेसिक सीख सकते हो प्यार से, मतलब समझो कि 100 रुपये महीना भी नहीं लग रहा है, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करिए। धन्यवाद।